Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on how to how do organism reproduce. Chapter 8 NCRT class 10 Let's start. Sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts of the angiosperms are located in the flower. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का जिसको एनजीओ बोलते हैं वो फ्लावर में लोकेटेड होता है स्टेमनस एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर स्टेमस और पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके फ्लावर के विच कंटेन द जर्म सेल द फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल जैसे कि पपाया और वाटरमेलन है वैन इट कंटेन्स एट इधर स्टेमन्स और पिस्टल और बाइसैक्सुअल भी हो सकते हैं जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड है वैन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. Pollen grain yellowish in color. Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part. Pistil, female reproductive part. It is made of three parts. The swollen bottom part is the ovary. The bottom part is swollen, ovary. Middle elongated part is the style. And the terminal part, which may be sticky, is the stigma. The ovary contains ovals, and each oval has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the oval. This fusion of the germ cell or fertilization gives us the zygote. इससे हमें जायगोट मिल जाता है विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोविंग इन टू न्यू प्लांट जिसमें पूरी कैपेसिटी होती है एक नए प्लांट के फॉर्मेशन में द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा तो जरूरी क्या है कि पोलन ट्रांसफर हो सके कहाँ से स्टेमन से स्टिग्मा तक इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर अगर ये ट्रांसफर ऑफ पोलन सेम फ्लावर में होता है इट इज रेफर्ड एट सेल्फ पोलिनेशन ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा कैसे एजेंट द्वारा कौन जैसे कि विंड जैसे कि वाटर और एनिमल्स आफ्टर द पोलन लैंड ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा जब पोलन एक सुटेबल स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल तक उसको पहुँचना होता है विच आर इन द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू तो फॉर्म एन एम्ब्रॉय तो जाएगोट अपने आप को डिवाइड करता है जिससे कि एम्ब्रॉय बनता है विद इन द ओवल द ओवरी ग्रोथ रैपिडली एंड रिपन्स टू फॉम ए फ्रूट और ही फिर रैपिडली ग्रो होती है और पक जाती है एक फ्रूट की फॉर्म में मीन वाइल इसी बीच द पीटल्स सीपल्स स्टैमन्स स्टाइल एंड स्टिग्मा मे श्रिवल एंड फॉल ऑफ गिर जाते हैं द सीड कंटेज द फ्यूचर प्लांट और सीड में फ्यूचर प्लांट होता है और एम्ब्रॉय विच डेवेलप्स इन ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रेट कंडीशन दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन तो इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं थैंक यू to continue this lecture subscribe our channel on youtube and download our app bhadrifoundation.com there you will get all videos at one place and pdf thank you